बारगाह च आया, एक काफरां दा सरदार आ, कुफर दा गाढ़ा तुसी मुड़ कह सकदे हो शैतान नूं। क्यों? इस दौर दे अंदर, कायनात दे अंदर बड़े बड़े वड्डे काफर होए ने, नमरूद काफर आ, फिरौन काफर आ, अबू जाल अबू लाब काफर ने, बड़े बड़े वड्डे काफर होए ने, मगर इन्हां ने कुफर किया है तो जमीन ते रह के किया वा। शैतान वो वा जिन्हें जन्नत रह के कुफर किया, सारे काफरां दा सरदार आ। जैसे आदम अलैहि सलाम नूं सजदा नहीं ना किया, अल्लाह ने एक फरिश्ते की ड्यूटी ला दिती कि शैतान हर रोज इनू सजा यह है कि मूँह से चंड मारिया करनी, फरिश्ते की ड्यूटी ला दी, हर रोज इनू सजा मिलती रही। इमाम ओलंपिया का दौर आया, ये कुरान की आयत नाज़िल हुई, बमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। शैतान हजूर की बारगाह च आया, या रसूल अल्लाह तुसी कायनात वास्ते रहमत हो, मैं भी तो इस कायनात विच ही हाँ ना, भावें काफर हाँ, मैनू भी तो हिस्सा मिलना चाहिए। इमाम ओलंपिया ने फरमाया, शैतान तेनू मेरी रहमत का हिस्सा यह मिलेगा कि अज तो बाद तेनू यह चंड नहीं वजिया करेगी। वो जड़ी हर रोज़ तेनू चंड वजदी आ ना, और इन्नी सख्त वजदी आ कि 24 घंटे तक उसकी तकलीफ महसूस करना वा, अगले दिन फिर चंड लग जाती है। फरमाया, मेरी रहमत का हिस्सा तेरे वास्ते यह वा कि तेनू गांह वास्ते चंड की छुट्टी हो गई। जरा अंदाजा करो, जेड़ा नबी एडे वड्डे काफरां वास्ते रहमत आ, वो जेड़े कलमा पढ़ने वाले ने उन्होंने वास्ते कितना रहमत होगा। कायनात की हर मखलूक, मेरा नबी हर मखलूक वास्ते ही, बोलो जरा, रहमत आ, और रहमत हुन भी है वो। और एक गल इस थोड़ा